हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमन एंड वेलकम टू बीआर एकेडमी अनऑफिशियल। आज हम विटामिन के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात करेंगे। विटामिन जो है ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होता है और ये हमारे शरीर के फंक्शन को सही रूप से चलाने में सहायता करता है। विटामिन हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों से बचाता है। इसमें से हम लोग मुख्य रूप से आज महत्वपूर्ण विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में मेन काम है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें ताकत देती है काम करने के लिए। एक उतना ही ज़रूरी है हमारे शरीर में विटामिन्स की, जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है और हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने में सहायता करता है। जैसे आप लोग अगर जान देखेंगे तो गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होता है, लेकिन उसे मोबिल डाला जाता है। मोबिल डाला जाता है इसीलिए ताकि उसका इंजन ख़राब ना हो। इसी प्रकार हमारे शरीर में विटामिन का काम ही उसी मोबिल की तरह है कि हमारे शरीर के इंजन को ख़राब ना करे, बल्कि वो अच्छा रहे, रोगों से बचे रहे। तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट विटामिन संबंधी महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। और कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। गाजर के अलावा ये दूध, अंडा और फल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारे विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मूंगफली हुआ, आलू, सब्जियां। विटामिन B2, जिसको हम लोग राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। विटामिन B2 के कमी से त्वचा का फटना, आँख का रोग होता है। विटामिन B2 का सबसे अच्छा स्रोत अंडा, दूध और हरी सब्जियां हैं। अगला नंबर आता है हमारे विटामिन B3, जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से पैरों में जलन और बाल का सफ़ेद होना। लोगों का बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनका एक कारण हो सकता है कि उनके शरीर में विटामिन B की कमी हो, है ना। और विटामिन B3 हमारे मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, इन सारे खाद्य पदार्थों से मिलता है। विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B5 की कमी से मासिक विकार, जिसको पेलेग्रा बोला जाता है, तो मासिक विकार या फिर पेलेग्रा रोग होता है। और विटामिन B5, जिसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, ये मिलता किस में है? तो ये मिलता है आपका मांस, मूंगफली में और आलू में। ठीक है, अगला है हमारा विटामिन B6, जिसको हम लोग पायरोडॉक्सिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हुआ B6 का? तो पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग होती है। और विटामिन B6 हमें दूध, मांस और सब्जी में मिलती है। अगला है हमारा विटामिन B7, जिसको हम लोग विटामिन H भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। तो विटामिन B7 या फिर विटामिन H का रासायनिक नाम क्या हो गया? तो बायोटिन। इससे क्या होता है? बालों का गिरना। इससे होने वाला रोग क्या है? बालों का गिरना और चमड़े की रोग, जिसको हम लोग चर्म रोग कहते हैं। और ये हमें किससे मिलता है विटामिन B7 या फिर विटामिन H? तो ये मिलता है ईस्ट, गेहूं और अंडे में। अगला नंबर आता है हमारे पास विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबलामिन कहते हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन की कमी से एनीमिया एवं पांडु रोग होती है। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और ये हमें मिलता है
कच्चा स्रोत हो गया मांस, कलेजी और दूध। ठीक है, विटामिन सी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं ना, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी मतलब मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी जैसे रोग होती है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन सी का, तो आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है। अगला नंबर आता है हमारा विटामिन डी, तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो रिकेट्स होती है, सूखा रोग जिसको कहते हैं ना, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होती है। और विटामिन डी मिलता किससे है, तो सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडे से मिलता है। ठीक है, अगला आता है मेरा विटामिन ई, तो विटामिन ई को टैकोफेरॉल बोला जाता है। तो विटामिन ई टैकोफेरॉल की कमी से कौन सी रोग होती है, तो जनन शक्ति में कमी होना मतलब इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चा नहीं होता है या बच्चा जन्म लेने में दिक्कत होता है। तो विटामिन ई को हम लोग कहते हैं टैकोफेरॉल, इससे होती है जनन शक्ति व कम हो जाना रोग। और ये हमें मिलता है विटामिन ई हरी सब्जी, मक्खन और दूध में। ठीक है, अगला सवाल है हमारे कि विटामिन के का क्या नाम है, तो विटामिन के का नाम है फिलोक्विनन। क्या है, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनन। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और कहीं पर अगर मान लीजिए आपका कट जाता है तो वहाँ से लगातार रक्त निकलते रहता है ना। सामान्य तौर पे हमारे शरीर में 2 से 8 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, और कहीं पर अगर कट लगा है आपको, कट गया है तो वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो गई है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और विटामिन के मिलता किससे है, स्रोत क्या है, तो टमाटर, हरी सब्जियाँ और दूध है। आगे हमारी एक विटामिन छूट गई थी, जिसको हमने लास्ट में क्या कर दिया है, विटामिन बी नाइन जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं ना, फॉलिक अम्ल। तो फॉलिक अम्ल की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। और विटामिन बी नाइन जो है वो मिलता किस में है, साबुत अनाज, सोयाबीन, इनसे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सारे विटामिन के बारे में बात कर लिया। अब रही जब हमारी एग्ज़ाम होंगी तो इससे रिलेटेड हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और उन सवालों को हम कैसे जवाब देंगे उसके बारे में, कुछ सवालों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जो अधिकतर आपके सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल हो गया हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी हमने कहा था ना, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अगर कोई भी खट्टा फल है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी वन। बेरी बेरी रोग किसी कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं, मतलब थायमिन की कमी है, विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब एक अगला सवाल आपको पूछा जाता है कि वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है, मतलब फैट में कौन सी विटामिन घुलनशील है, तो वसा में A D E और K विटामिन घुलनशील है। क्या क्या हो गया, तो A हो गया, फिर D हो गया, फिर ई हो गया, फिर के हो गया, 4 विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी, अगला सवाल है हमारा कि जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है, तो जल में हमारा जो घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी। ठीक है, अगला सवाल है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, अगर अगला सवाल है हमारा, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला सवाल है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना हमने क्या कहा था कि विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, और विटामिन सी किस में मिलता है, तो खट्टे फलों में मिलता है, सबसे अच्छा स्रोत आंवला है इसका, है ना। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। अगला सवाल है हमारा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 या उसी को विटामिन H भी बोलते हैं ना,
विटामिन बी सेवन या विटामिन एच का नाम होता है बायोटिन। नपुंसकता या फिर बंध्यता, मतलब जिसमें बच्चा नहीं होता है ना, तो उस तरह की जो रोग होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या फिर बंध्यता नामक रोग होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनन है। क्या नाम है विटामिन के का, फिलोक्विन। अब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनना, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया, है ना। मछलियों की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुलता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो यकृत के तेल अगर बोला जाए तो विटामिन ए, और मछली में हो कौन सी विटामिन मिलता है कहा जाए तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी को अगर हम गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग क्या होगा, तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स है, जिसको हम लोग सूखा रोग कहते हैं, है ना। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो विटामिन शब्द फंक ने दिया था। ठीक है, विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने बताया था कि इसको विटामिन कहेंगे, तो फंक ने कहा था 1911 में। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने के में कौन सा विटामिन सहायक है, तो हमने कहा कि के की कमी से थक्का नहीं बनता है, तो मतलब के रहेगा तो थक्का बनेगा, तो यहाँ पर हमें सवाल पूछा गया रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है तो विटामिन के। विटामिन ए एवं बी आविष्कारक कौन थे, मतलब विटामिन ए और बी की खोज किसने किया था, तो विटामिन ए और बी की खोज किए थे मैकुलन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वें नंबर सवाल पे, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं कि विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त बहते रहती है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है और खून लगातार बहते रहती है, जिसको हीमोफीलिया रोग भी कहा जाता है। और अगर बात किया जाए कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता उसका कारण है, हमारे शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है, जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने नहीं देता है, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देती है। ठीक है, और कहीं पर कट लग जाने के बाद रक्त का थक्का बनता है विटामिन के कारण, लेकिन इसमें दो प्रोटीन मुख्य रूप से कार्य करता है, तो शरीर का कट लगने बाद या फिर कट जाने के बाद शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन सा प्रोटीन, तो वो दोनों प्रोटीन का नाम हुआ फैब्रिजिनोन और प्रोथ्रोम्बिन। फैब्रिजिनोन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है आपके शरीर में कहीं कट जाती है तो वो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो विटामिन का क्लास है ये ख़त्म हो गई यहीं पे। और विटामिन की क्लास में आपको एक चीज़ ये है कि विटामिन से जो भी सवाल आएंगे इसके अंदर से अगर इसी से घूमता फिरता सवाल आएगा, तो इससे बाहर के सवाल नहीं आते, अधिकतर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में बैठे, ये आपके लिए हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगा। इसको आप अच्छे से याद कर लें, पढ़ लें, लिख लें, और हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, इसी प्रकार के स्टडी करेंगे। और क्या करना है, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, थैंक यू। वीडियो के लिंक में पीडीएफ डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और हमारी जो क्लासरूम में क्लास चलती है वो कंटिन्यू चलती रहेगी,
साथ में भी वीडियो जो क्लासरूम की क्लासेस हैं उसके साथ ये वीडियो लेक्चर भी आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट आप अटेंड नहीं कर पाते हैं वो हमारी वीडियो देखकर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि उनका जो टॉपिक छूट रही है वो कवर हो जाए, और साथ में ये वीडियो आप लोग बाद में भी कभी भी देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हम चाहते हैं कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए फिर, थैंक यू।